हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल HF व्लॉग्स। और आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे मुबारक वाले दिन मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो है चिकन विंग्स। आज हम बनाएंगे चिकन विंग्स। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन विंग्स ले लिए हैं। उसके साथ जो है मैंने लिए है काली मिर्च पाउडर 1 tablespoon, लहसुन पेस्ट 1 tablespoon, लाल मिर्च पाउडर 1 tablespoon, पापरिका पाउडर 1 tablespoon और नमक हसब जायका। तो चले अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें अपना मसाला लगा लेती हूँ। तो चले सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर, उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, पापरिका पाउडर, पापरिका पाउडर के बाद इसमें हम डालेंगे नमक। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि हर एक विंग्स पे अच्छी तरह मसाला लग जाए। मसाला लगाने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट तक छोड़ने के बाद ये आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं ताकि इसमें मसाला जो है वो अच्छी तरह से जब्ज़ हो जाए। आप इसको 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं ताकि मसाला अच्छे से जब्ज़ हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको फ्राई हमने किस तरह से करना है। सो गाइज, अब हम लोग जिसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, अब हम इसको सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, हम मैदे में इसको सबसे पहले डिप करेंगे अच्छी तरह। मैदे में डिप करने के बाद ये मैंने अंडा लिया है, अंडे में मैंने थोड़ा सा जो है वो दूध भी डाला है, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे और इसके बाद ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। कॉर्नफ्लेक्स को मैंने जो है वो छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके। देखिए, ज़्यादा छोटा नहीं करना, आपने चूरा नहीं बनाना इसको, इस तरह से आपने पीस करके इन पर लगाना है। इस तरह अब हम इस अपने विंग्स के ऊपर इसको लगाएंगे और इसको हम अब हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये सही तरह जो है वो गल जाए। सो गाइस, अब हम सबको इस तरह कर लेते हैं सारे विंग्स को और जब मैं फ्राई करूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर जो है वो चिकन विंग्स फ्राई हो रहे हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह गल जाए और गोल्डन फ्राई करना है, ज्यादा आपने इनको ब्लैक नहीं करना। यहाँ पर जो है वो यमी विंग्स तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी घर में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हैप्पी फैमिली व्लॉग विद पेट्स। अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।